दुनिया तक पर टॉप 5 में देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 मार्च को क्वाड नेताओं की पहली वर्चुअल मीटिंग में हिस्सा लेंगे। इस बैठक में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के उनके समकक्ष योशू हिदे सुगा भी शामिल होंगे। क्वाड फ्रेमवर्क के नेताओं की ये पहली मीटिंग है। माना जा रहा है कि क्वाड की पहली वर्चुअल मीटिंग में चारों नेता क्षेत्रीय के साथ वैश्विक मुद्दों पर भी अपने साझा हितों की चर्चा कर सकते हैं, जिसमें मुक्त और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र भी शामिल है। गिलगित बाल्टिस्तान की विधानसभा ने मंगलवार को एक प्रस्ताव पारित क्षेत्र के लिए प्रांतीय स्थिति दिए जाने की मांग की। हालांकि भारत ने प्रांतीय स्थिति दिए जाने की मांग पर कड़ा विरोध जताया है। पाकिस्तान ने पिछले साल गिलगित बाल्टिस्तान को अंतरिम प्रांत का दर्जा देने का ऐलान किया था। प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के नेतृत्व वाली सरकार ने संघीय सरकार से मांग की है कि गिलगित बाल्टिस्तान का नेशनल असेंबली, सीनेट और संघीय स्थानों में प्रतिनिधित्व आवंटित किया जाए। इस प्रस्ताव को गिलगित बाल्टिस्तान के मुख्यमंत्री खालिद खुर्शीद खान ने आगे बढ़ाया। ब्रिटेन की संसद के वेस्टमिंस्टर कमेटी रूम में सोमवार को भारत में किसानों की सुरक्षा और प्रेस की आज़ादी से जुड़े ई पिटीशन अभियान पर चर्चा के मामले पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक मंगलवार को भारतीय विदेश सचिव भारत स्थित ब्रितानी उच्चायुक्त एलेक्स एलिस को तलब किया और भारत की नाराजगी जताई। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने ब्रिटेन के उच्चायुक्त से कहा है कि भारत में हुए कृषि सुधारों पर ब्रिटेन की संसद में हुई बहस गैर जरूरी और पक्षपातपूर्ण थी। ब्रिटेन के प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेगन मार्कल ने टीवी इंटरव्यू में कई बड़े खुलासे किए हैं। मेगन ने खुलासा किया है कि शाही परिवार उनके बेटे आर्ची को प्रिंस नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि उनके जन्म से पहले उन्हें डर था कि कहीं उसका रंग ब्लैक ना हो। साथ ही मेगन मार्कल ने खुलासा किया कि दोनों ने शाही शादी से 3 दिन पहले ही शादी कर ली थी। सार्वजनिक तौर पर हुई उनकी शादी दुनिया के लिए तमाशा थी। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 11.81 करोड़ से ज़्यादा हो गया। 9 करोड़ 38 लाख से ज़्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 26,21,000 से ज़्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। पाकिस्तान भले ही भारत के खिलाफ साजिश रचने का कोई मौका नहीं छोड़ता, लेकिन भारत इसके बावजूद कोरोना से निपटने में उसकी मदद करने को बिल्कुल तैयार है। बता दें कि पाकिस्तान भारतीय वैक्सीन के सहारे कोरोना से जंग लड़ने वाला है। उसे ये वैक्सीन इंटरनेशनल अलायंस गावी के ज़रिए दी जाएगी। बदहाल आर्थिक स्थिति का सामना कर रहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कोरोना वैक्सीन नहीं खरीदने का फैसला लिया है। ऐसे में मेड इन इंडिया वैक्सीन के 4.5 करोड़ डोज उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जापान की सरकार ने कोरोना की वजह से टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक में विदेशी दर्शकों की एंट्री पर रोक लगा दी है। तो वहीं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से कोरोना वैक्सीन की 4.68 लाख डोज की पहली खेप अफगानिस्तान पहुँच गई है।